चलो आप वो लोग जा रहे हैं आजा अरे प्रखर आजा ये गेट होता था सर, इस गेट का नाम सूरज पोल गेट, जो वीआईपी और राजा की फैमिली यहाँ से आती थी और यहाँ से लोकल वाले आते थे गाँव वाले। हम लोग चंद्र चांद पोल गेट गाँव वाले राजा रानी बैठते थे, 12 रानी अलग अलग थे, अलग अलग रानी से बैठते थे 12 रानी। गार्डन आज 5 से 7 ईयर गार्डन हुआ करता था, 6 गार्डन हुआ करते, बीच में फुहारे हुआ करते थे, सब हटा दिया अपने न्यू कर दिया बिल्कुल। वेजिटेबल फल फल पके उनको सड़ा गला के पीस की जरूरत नहीं करता, उनका भी है। हाँ सर जी, इनका क्या खासियत का धूप पट्टे शाइनिंग होता है, पानी पट्टन ग्लो होता है सर जी। आज आगे जाओ तो इसमें वेजिटेबल फल फूल बाइक हो जाता है, सेकंड पार्ट पे ऐसा जो मट्टी में सड़ा गला के पीस कर रखता है, सड़ा गला ज्यादा पीस की जरूरत नहीं करता, उनका क्या करते सफाई की जाती है, पहले दीवारों की पकड़ के की जाती है। मैंने आपको बताया था सारी चीज़ें होता है, आज उनकी प्यार में हुआ करता है, पालक मेथी बथुआ से निकलते येलो कलर कच्चा हल्दी, सनफ्लावर ब्लू कलर, इंडिको ब्राउन, रेड का शुगर के नमक के चिकन हुआ, पहले बेजी के लिए कलर किया, फिर दीवार में से पेंट की जगह ग्रेजिंग पे ग्रेन के पूरे बालों के लिए 10-15 से पेंट की जगह किया। अब लकड़ी के ढंग से तीन मिनट ब्लॉक बनते हैं, उनसे पेंटिंग की जाती है। दीवानी आम दीवानी खास जगह देखने का, इस जगह का नाम अमर पैलेस, अमर में ऊंचाई पे बना हुआ पैलेस में राजा का, ये राजा का दीवानी आम दरबार है, जो आम प्रजा का न्याय और फैसला, ये खुदी एक पिलर से बना हुआ, 16 पिलर वाइट भी है, 32 पिलर रेड होंगे। विश्व राजा का सिंहासन जितने सारे लोग कलाकार बैठे, वहाँ मंत्री लोग बैठे, यहाँ राजा का सिंहासन। इस महल में दो कल्चर है, हिंदू में मुस्लिम कमाई में, क्योंकि हिंदू यहाँ के राजा थे, मुगलों से उनका रिलेशन था, जोधा का मैका है, जोधा उन लोग खुश करने के लिए हिंदू मुस्लिम होंगे, इसीलिए इस्लामी आदमी ने तारे होने वाले में गोल मट्टी का ही बना हुआ है, ऊपर देखिए हर पीले में हाथों का चूम गुलाब का फूल के काम पर जल्दी नहीं हुआ, माइक चूम देखिए मकराना रेख चूम डॉक्टर का, सामने देखिए हिंदू धर्म में त्रिवेणी का मंदिर बनाते हैं, पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, गणेश चूम के फूल हमारे यहाँ राजस्थान में बड़े गिरते हैं, बड़ा ये सामने देखा चांद सामने वहाँ से राजा की प्रज्ञा पे थी, वहाँ से राजा ना ये आम सामने यहाँ से बात जाने लगी प्रज्ञा के पब्लिक।
जयसिंह की दो बीवी थी, बात रानी चंद्रमुखी थी, सेकेंड रानी इंद्र गुलेन थी। सामने वाला भाग जितने विंटर पैलेस थे कितने शीत कहा, जैसे आगरा घूमने गए ताजमहल नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा, जैसे जयपुर घूमने आए अगर शीशमहल नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं। ये विंटर पैलेस है जहाँ पर करें बारिश गर्मी कर रहे हैं, रानी का घूमने का बगीचा है और शाही हमाम, शाही हमाम ही नहाने का जगह, जकूजी जैसे ठंडा जैसे गर्म किया जाता है वो आपको हम आगे चल के दिखाएंगे। ये रानी का रक्षा गाड़ी है, 400 साल पुरानी चंदन की लकड़ी का बना हुआ है। जमाने में रानी का पहनने का डेढ़ लाख का वजन था, 9 kg का आदमी डेढ़ डेढ़ पहनती थी। होली दिवाली त्यौहार को विदेश कर दी 14 किलो वेट, 3 और 4 किलो के बीच में गहने थे। फिलहाल घूमने का तो उसकी फैसले नहीं कि नहीं गाड़ी बनाएगी, दो दासी आगे चलती, दो धक्का लगाती, फिर बैठ के रानी महल कराती। ये बारिश और गर्मी का महल इधर रानी चंद्रमुखी रहा करती, इधर रानी मिल रहे बीच में राजा रहे। सामने मार्बल का झरना बना हुआ है, इसके पीछे पानी का टैंक रखा है जिसमें गुलाब जल परफ्यूम सैन जा रहे हैं। टैंक घुमाने के बाद पानी गिर नहीं जाता सीधा पार्क से, तीनों गेटों में लगाई पानी और हवा के हवा। और यहाँ से वो रानी का रक्षा गाड़ियों मैंने दिखाया आपको, महल का राउंड लेने के लिए शुरू हुआ करता था। यहाँ पे चारों तरफ रैन बना हुआ, लाइटें लगी हुई, ऑयलर रखे जाते थे कि हवा और जल आने के लिए, धुएं को पास करने के लिए जाली बनाए गए। ये पीओ पी है तो वहाँ लगाओ, कितना ठंडा है, जैसे मक्खन में हाथ रख दिया आपने, वो तभी का ही उसी समय का है। 6 धातु से तैयार किया हुआ है, समुद्र का शंख, कौली, रब की दाल, चूना, नारियल का तेल तैयार कर शीशे से बनवाया।
दुनिया में अगर शीर्षक देखने के लिए तीन जगह मिलेगा, पार्ट नंबर आमिर महल जो देखने आए, सेकंड बना हुआ इंदौर के अंदर हुक्म चंद जैन मंदिर, थर्ड बना हुआ उदयपुर का सिटी पैलेस, ये गिलास जो देख रहे हैं बेल्जियम गिलास है, पूरा हो रहा काम सोने का काम, नीचे मार्च और शुरू आ गया, विंटर टाइम में बिल्डिंग को गर्म करने के लिए चारों तरफ सिल्क के पर्दे लगाए जाते हैं, सिल्क के पर्दे रेशम, रेशम गर्म होता है जगह ऑयल में रखे जाते हैं, जिसके हीट से शीशा गर्म होता है जगह गर्म रहते हैं, इधर आ रही चंद्रमुखी लगा करके इधर आ रही बिल्कुल बीच में राजा रहते हैं। 1947 में राजा रहे, इसके बाद में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो राजा ने ये सारा महल खाली करके गवर्नमेंट को दिया, यहाँ का सारा सामान ले जाकर राजा ने सिटी में रखा, उसका ट्रस्ट बना के लिक्विड के म्यूजियम बना, जिसे सिटी पैलेस, अभी आगे में राजा ने आगे का म्यूजियम बना, अभी का जो प्रेजेंट राजा का नाम है सबसे बड़ी तोप रखी जिसका वजन 50 टन क्या बात है तो